शुरू हो चुका है बैच ऑफ फ्रेंडशिप। अरे भाई इधर कहाँ लेके आया तू मेरे को? तेरे को ये जगह नहीं मालूम? तेरे को यहाँ की खासियत पता है? अगर तू यहाँ ना अपना नाम जोर से पुकारेगा ना वादियों से टकरा कर जवाब में तेरी प्रेमिका का नाम आएगा। झूठ मत बोल। यकीन नहीं आ रहा मेरे ऊपर? नहीं। अब देख मैं आवाज लगाऊंगा और मेरी प्रेमिका का नाम आएगा। ज्योति आया ना? चल तू भी बोल, तू भी बोल। धीरू एक बार धीरू संजय नहीं भाई एक बार लास्ट का धीरू सूरज रमेश जस्का कपूर शोले ठाकुर मैट्रिक एग्जाम निकाल ले अच्छे से वरना अकेले बेचोगे। तो मैंने बोला कि ठीक है पढ़ लेता हूँ। फिर मन लगा कि मैंने पढ़ाई की, सीरियसली पढ़ाई की, मैंने मैट्रिक एग्जाम में टॉप किया। टॉप किया था मैंने। अच्छा। फिर पापा ने बोला कि नहीं सिर्फ मैट्रिक का एग्जाम से काम नहीं चलेगा आपका, अब आपको 12th निकालना पड़ेगा क्योंकि आज थोड़ा सा क्वालिफिकेशन अच्छी होनी जरूरी है। अगर आपने नहीं पढ़ाई किया ठीक से, 12th नहीं निकाला तो फिर केले बेचने पड़ेंगे। तो मैंने 12th निकाला, 12th निकाल लिया तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी क्वालिफिकेशन जो है बढ़ गई है, प्रोफेशनल डिग्री लेना पड़ेगा आपको, आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, अगर नहीं किया आपने तो केले बेचने पड़ेंगे। आपने इंजीनियरिंग की? तो मैंने इंजीनियरिंग की सर। अच्छा। उसके बाद फिर मेरे को पापा ने बोला कि नहीं नहीं अभी मैनेजमेंट का दौर चल रहा है, एमबीए कर लो, एमबीए नहीं करोगे तो फिर केले बेचने पड़ेंगे। तो फिर मैंने एमबीए किया सर। और जब फिर मैंने जब कर लिया एमबीए और इंजीनियरिंग, फिर मैं कंपनियों में गया नौकरी के लिए तो उन्होंने बोला कि नहीं नौकरी तो नहीं है, आपको केले बेचने पड़ेंगे। तो मैं केला बेच रहा हूँ सर, 20 के 3 है, कितने दे दूँ? सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।